ने रायपुर लौटते ही बीजेपी पर हमला बोला। बघेल ने एयरपोर्ट पर कहा कि राज्य में किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि कोचिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पहले भी कोचिए के लिए हमला करते थे और अब भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुछ किसानों के साथ इतनी बड़ी व्यवस्था में न्याय न हुआ हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। रमन सिंह के 15 साल के राज में इतनी धान की खरीदी नहीं हुई थी जितनी इस साल हुई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अपनी अमेरिका यात्रा को सार्थक बताते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में यात्रा का नतीजा देखने को मिलेगा। रमन सिंह जी, बीच में आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नीति सरकार ने बनाई उसमें 50 लाख मीट्रिक टन ही खरीदेंगे, और अब उनके जो दावे थे वो खोखले साबित हुए। 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया और अभी तक के जितने किसान धान बेचते थे उससे बहुत अधिक 2.5 लाख अधिक किसानों ने धान बेचा। इसका अर्थ ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में लोग खेती किसानी की तरफ लौटे हैं। और खबर रायपुर से है, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछा कि वे बताएं किस किस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करना है। सीएम ने हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व सीएम बताएं कि नान घोटाले या नया रायपुर या फिर दामाद पर श्वेत पत्र जारी करना है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह एक लिस्ट दे दें, हम श्वेत पत्र जारी कर देंगे। असल में रमन सिंह जी कोचियों के पक्ष में बात कर रहे हैं, किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी किसान के साथ उसके साथ न्याय ना हो पाया हो सकता है कहीं पे ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में ऐसा हो। लेकिन रमन सिंह जी ने कमीशन खोरी सरकार रही है, कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया है, कोचिया को बढ़ावा दिया है, हमेशा कोचियों की बात करते रहे हैं और अभी भी।